गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है ट्यूसडे, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले और सॉरी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, तो आज से हर रोज़ वीडियो आएंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो कल हमें बुक्स मिले हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज, और आज देखते हैं क्या क्या होता है। तो और एक नया हेडफोन लिया है जिसके साथ माइक भी है, हेडफोन कम वो ज़्यादा माइक टाइप है, तो वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते आज क्या होता है, दिखाते आपको और सीन बिठाते। तो गाइस नहा दो कर ऑल सेट हो चुके, तो अभी जा रहे हैं आपको बुक्स दिखाने और मुझे आपसे थोड़ी सी बातें करनी है। तो नीचे कमेंट करना यार ये कैसा दिख रहा है, ये पहले भी पहना हुआ है आई थिंक, सो दिखाया होगा। और मैं इतने दिन से इनएक्टिव क्यों था वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, और आपको थोड़ी सी बातें करनी है क्योंकि मैंने अभी कुछ यूट्यूब पर देखा है, तो मुझे आपसे शेयर करना है क्योंकि आप मेरी सेकेंड फैमिली हो, तो आपसे बात करना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और आपको मेरे बुक्स भी दिखाऊंगा, कल ही बुक्स आई है, और नया हेडफोन भी दिखाऊंगा। और पीछे से मेरी बातें करी होगी फोन पर, तो उसके लिए सॉरी यार, दिल से सॉरी। तो चलो दिखाता हूँ आपको। सो गाइज वो समय आ चुका है जब आपको मैं बुक्स दिखाने वाला हूँ। उससे पहले यार एक लाइक कर दो आपके दोस्तों में, ये व्लॉग शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो देखो, तो सबसे पहले ये आता है अपना नोटबुक, तो ये कुछ ऐसी नोटबुक है, वन लाइन और टू लाइन्स की ऐसी नोटबुक है। तो मैं बेसिकली स्कूल में पढ़ता हूँ, शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल और सीबीएसई पैटर्न में। तो उसके बाद ये बुक आती है, ये बुक है ज्योग्राफी की थिंक सो, सॉरी हिस्ट्री की बुक है। तो अब कल ही बुक्स मिले यार, तो देखे भी नहीं है मैंने ठीक से। तो ये हिस्ट्री की बुक, उसके बाद आती है ये इकोनॉमिक्स की बुक। तो ये देख सकते हो यार इतनी इतनी सी बुक्स है, और इसमें थिंक सो बहुत ज़्यादा कम चैप्टर्स है इसमें। एक मिनट भाई, ये नए बुक्स भाई, अब देखो भाई बस चार चैप्टर है, इतनी सी बुक है। उसके बाद आती है ये सिविक्स की बुक, देख सकते हो ये एक सिविक्स की बुक। उसके बाद साइंस की बुक, ओ भाई साहब ये देख सकते हो 15 चैप्टर से भाई इसमें, पता यार ये बहुत ज्यादा बड़ी बुक है। उसके बाद ये है इंग्लिश की बुक है, वर्क बुक है ये, देख सकते हो ये इंग्लिश की वर्क बुक है भाई। इस बार इंग्लिश को चार बुक्स है हमारे, चार। तो ये इंग्लिश की एक बुक और एक इंग्लिश की ये मेन बुक है आई थिंक सो, ये वाली मेन बुक है बी हाइव। तो ये एक बुक है देख सकते हो, इतनी सी है मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद ये मुझे बहुत पसंद आई, इतनी सी बुक है भाई, मैं दो तीन दिन में पढ़ लूँ सब। तो मूवमेंट जो सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक होती है वो ये वाली बुक है। उसके बाद ये और एक ग्रामर की बुक है इंग्लिश की, ये देख सकते हो इतनी बड़ी बुक है भाई साहब, इसमें ऐसे पाँच छः बुक्स आ जाए, उससे भी ज़्यादा ही आ जाएंगे भाई, इतने सारे इतनी बड़ी बुक है ये, पता नहीं यार इसमें से कितना सिखाएंगे कितना नहीं सिखाएंगे। उसके बाद भाई सबसे बड़ा दुश्मन आता है ये, हर एक बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन मैथ्स। तो ये देख सकते हो इतनी बड़ी बुक है, होगी यार नाइन्थ स्टैंडर्ड है भाई, इतनी बड़ी बुक तो होगी। और इसमें कितने चैप्टर से भाई देखे भी नहीं है मैंने अभी तक, और भाई हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुके है, तो इसमें कितने चैप्टर से भाई बस आपको दिखा दूं भाई कितने चैप्टर सारे भाई भाई भाई, एक मिनट। तो आप देख सकते हो इसमें है पूरे 15 चैप्टर्स भाई साहब, हालत खराब होने वाली है। और ये फाइनली ज्योग्राफी की बुक है, बहुत ज़्यादा छोटी बुक, बहुत ज़्यादा छोटी भाई। आपको SST पसंद है क्या? मुझे SST बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे मैथ्स पसंद था 7th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो इतने ऐसे कुछ बुक्स है हमारे, तो इतना ही बुक्स है। और आप जैसे कि मेरी फैमिली हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाई किस बुक से करता हूँ, मुझे क्या क्या हुआ मेरे लाइफ का, हर एक पार्ट हर एक मिनट आपको पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा हेडफोन, नया हेडफोन। तो चलो, वो समय आ चुका है जब मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ, वो चीज जो मैंने लाई है। तो 1 2 3
आई नो आई नो आई नो, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई धीरज भाई ये क्या दिखा दिया, ये हेडफोन कहाँ पर है? सो सॉरी गाइज, ये हेडफोन नहीं है, लेकिन ये हेडफोन से भी कम नहीं है। तो बेसिकली ये क्यों मंगाया था, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है जिसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट के बहुत सारे नॉन स्टॉप हर मिनट को एक ऑफर आती रहती है। एक ग्लिच होता है वो अमेजोन का, जिस पर बहुत कम प्राइजेस पर हमें ऑफर्स मिलते हैं, तो उसी से ही मैंने ये मंगाया है। बहुत सस्ता था ये, कुछ डेढ़ हज़ार का हेडफोन ही है, हेडफोन कह लो, हेडफोन विथ माइक कह लो, कुछ भी कह लो, तो 1,500 रुपये का है भाई ये, 1,500 रुपये का। ये 350 में मिला है भाई, समझ सकते हो, इसलिए मंगाया ये। बस इसमें क्या है, तो बेसिकली जो जो कंपनी वाले होते हैं, जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, जो हमें कॉल करते, बेसिकली जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में होते, उनके पास ऐसे हेडफोन्स रहते हैं। तो ये मैंने मंगाया है अपने गेमिंग चैनल के लिए, ये अपने चैनल के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेटिव देना है, कुछ भी होना है, मैं इससे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मेरे पास पता है, आप बोलोगे कि एक माइक है, लेकिन ये सुनकर भी हम खेल सकते हैं ना। तो बेसिकली ये मैंने फायर गेमिंग चैनल के लिए मंगाया है, और मेरे मम्मी पापा के लिए भी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया वाला माइक है इस पर, और लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ये घुमा भी सकते हैं, तो अब ये राइट साइड से हम पहन सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये हेडफोन, हेडफोन कुछ भी कह लो, और उसके बाद ये प्रोफेशनल ये मिल जाता है अपने को, ये देख सकते हो, इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं ये वाला चीज़, और वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही है इस हेडफोन में, और बहुत सस्ता था इसलिए बेसिकली ये मंगाया गया है, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग भी है। तो यही आपको दिखाना था, और इसके बाद मुझे एक बार आप कमेंट करना कि मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ हर रोज़, तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते, मतलब बहुत सारा होता है। जैसे कि कल हमने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट की मैच खेली, तो वैसे हर रोज़ क्रिकेट के मैच सबको दिखाऊँ, जो मज़े होते, लड़ाइयाँ भी होती है, तो वो आपको दिखाऊँ क्या? ज़रूर से बताना, नीचे कमेंट करना यार, मैं ज़रूर से हर रोज़ वो भी व्लॉग बनाऊँगा। फाइनली आज से हर रोज़ व्लॉग्स आएंगे, तो दिल से सॉरी यार, 3 दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो पहले 2 दिन क्यों नहीं आ रहे थे ये बता दूँ कि थोड़ा सा बीमार था, और एक दिन मैंने खुद व्लॉग नहीं बनाया, बनाया था लेकिन बहुत छोटा सा व्लॉग था, तो क्या ही डालूँ मैं, क्या ही दिखाऊँ, घर पर ही था, तो इसलिए व्लॉग नहीं आए। तो सॉरी यार, अब से व्लॉग्स हर रोज़ आएंगे, और एक बार नीचे कमेंट करना यार कि आपको हर एक चीज़ मेरी देखनी है, तो मैं हर रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो वो आपको देखना है, तो नीचे यार ज़रूर से कमेंट करना। तो देखते हैं, अभी आज आपको दिखाऊंगा कि क्रिकेट में कैसे खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ, किसके साथ खेलता हूँ। सबसे पहले उनको पूछूंगा कि यार मैं व्लॉग बना सकता हूँ या नहीं, तभी मैं बताऊंगा। और हर रोज़ जब मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ तो बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ साउंड आ रहा होता है, तो उसके लिए यार सॉरी, अब कुछ कर सकते हैं नहीं, तो उसके लिए यार सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, उसके बाद नहीं आएगा थोड़े दिन बाद, तो ठीक है, देखते क्या होता है आगे। और अभी जा रहे कुछ काम करते, अभी चेंज कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो, अभी जा रहे हैं हम खेलने, और आप देख सकते हो अभी कितने बजे, अभी 4 बज रहे, 4:07 हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम खेलने। तो देखो यार गाइस, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने आपको क्रिकेट के व्लॉग्स नहीं दिखाए, मतलब क्रिकेट जब मैं खेलने जाता हूँ वहाँ के व्लॉग्स नहीं दिखाए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक चीज़ होती है प्राइवेसी, कि वो अगर मुझे परमिशन दे तभी मैं वहाँ के व्लॉग बना सकता हूँ, तो उतना ही बताना। उसी कारण कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, तो उसी कारण मैं मतलब उनसे पूछ कर ही व्लॉग बनाऊंगा। तो अगर आपको आगे दिखा कि क्रिकेट के व्लॉग से, तो समझ जाओ भाई मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, और नहीं बनाया तब भी सोचो मेरे दोस्त अच्छे हैं, क्योंकि यार उनको नहीं दिखना मेरे व्लॉग में, तो नहीं दिखना है ना, तो वो उनका सवाल है, समझ रहे हो ना यार। आई थिंक सो सारे जो व्लॉग्स देखते हैं वो मैच्योर तो है ही, तो समझ लेना गाइस। तो चलो देखते हैं, अब खेलने चलते हैं।
सारा सिस्टम पाड़ देंगे, फोन आए फोन पे खाता काट लेंगे, सिंताली के सिंताली छर्रे काट देंगे, छोटे कोनी छोरे कोनी तने मार देंगे, छोटे कोनी 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 तने मार देंगे, सिंताली के सिंताली छर्रे काट। गाइस खेल के अभी हो चुका है, फ्रेश हो चुके और अभी घर पे आ चुका है, कुछ तो खाते और देखते आगे का सीन बिठाते। और गाइस बहुत ज़्यादा टायर्ड मैच हुआ और आज हम पूरे 6 से 7 मैच खेले और उसमें से बस कुछ 3 मैच जीते, बाकी सब हार गए क्योंकि हमारी टीम थोड़ी सी खराब थी। कोई बात नहीं गाइस, और आपका बंदा थोड़ा सा मतलब आपका भाई थोड़ा सा अच्छा खेल लेता है तो, और सॉरी मैं नहीं दिखा पाया कुछ भी उसमें का, थोड़ा सा पार्ट दिखा पाया बस, क्योंकि वो बंदे बोल रहे थे यार हमें रिकॉर्ड मत कर, तो सॉरी मैं दिखा नहीं पाया। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो सॉरी यार नहीं दिखा पाया। और जो ये वीडियो देख रहे वही वो बंदे थे, तो देखो नहीं दिखाया मैंने। अभी दिन पूरा हो चुका है और अभी बज रहे कुछ 9:30 या 9:15 बज रहे होंगे, तो अभी खाना वाना सब कुछ हो चुका है, ऑल सेट आज का दिन सब कुछ हो गया है। और एक छोटा सा क्लिप मैंने क्रिकेट खेलते वक्त डाला है, छोटा सा क्लिप, और अगर किसी को बुरा लगा होगा उसका क्लिप डाला है इस वजह से, तो मुझे ज़रूर से बताना यार, मैं वो क्लिप डिलीट कर लूँगा। लेकिन ऐसे ही फ़न के लिए मुझे एक दो लोगों ने कहा कि भाई क्रिकेट खेलते वक्त दिखा, और उस वजह से मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला। तो जिसको भी बुरा लगा यार बता दो प्लीज़, और बिल्कुल भी मत झिझकना कि यार ये कुछ बोल देगा ऐसा वैसा होगा, बिंदास बता देना किसी को बुरा लगा होगा तो, क्योंकि यार हर एक की प्राइवेसी है, खुद का एक कुछ होता है, ये किसी की प्राइवेसी होती है, तो इसलिए किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। और वो क्लिप नहीं डालेगा, वो डिलीट हो जाएगा, अगर किसी को कुछ लगा तो जरूर से बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना और नोटिफिकेशन वाले बेल कॉल पे सेट कर देना, इससे 8 बजे हर रोज़ आपको वीडियो दिख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपको एक नए और बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक यार अच्छे रहो, खेलते रहो कूदते रहो और मेरे वीडियोज़ हर रोज़ 8 बजे देखते रहो। तो चलता हूँ, बाय बाय।